हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब इंडिया चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के ऊपर वीडियो लाऊं आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक अनाउंसमेंट किया है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट पे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बोल दूंगा, कौन सा पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। पोस्ट है आपका सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। टोटल वैकेंसी है 1233। सैलरी होगा आपका 35,400 टू 112,400 पर मंथ। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया है और लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल 2018। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है जाके आप लोग पूरा डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ जहाँ पे ये पब्लिश हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर वैकेंसी इन एसएससी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। एसएससी ऑनलाइन हैज अनाउंस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर। एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर 2 अप्रैल 2018। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, क्वालिफिकेशन चाहिए एनी ग्रेजुएट, और सब इंस्पेक्टर के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए एनी ग्रेजुएट। जॉब लोकेशन होगा अक्रॉस इंडिया। टोटल वैकेंसी है 1233, काफ़ी वैकेंसी है। ये पब्लिश हुआ है 5 मार्च 2018 को और लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल 2018 है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है जाके आप लोग पूरा डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड एलिजिबल हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। ये इन्फॉर्मेशन अपडेट मेरे पास था तो मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि वो लोग भी अप्लाई कर पाए अगर वो इंटरेस्टेड है एंड एलिजिबल है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं और एक नया गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर।